Were there people in your life की इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है मेरे सिद्धू पाजी से मिले That's the man sir. तो एक टाइम पे गया था आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई थी कि भाई हनी सिंह यही गाने बदनाम हुए तो क्या बदनाम तो हुआ सर never wanted to sing, never wanted to write. मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ. Are you scared कि भाई कभी हुआ? सच बताऊँ तो सिर्फ मौत से डर लगता. वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे. 7 फ्रॉम द वर्ल्ड. मेरा केस भी बहुत खराब था. शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो खत्म है. Volume 1, Volume 2 के गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता था और हम लोग सब कूल बन के. वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे पर केस हुआ. मैं कभी बोला नहीं. तो उस टाइम पे आप 4-5 लोग साथ में काम करते थे ना. क्या था उसका नाम? माफिया मुंडीर. आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे. मैंने आज तक नहीं करी. माफिया मुंडीर का सबसे पहला. आज वेडनेसडे नहीं है बट स्टिल हम आज एक पॉडकास्ट रिलीज करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम एक्साइटेड हो गई ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद. सो टुडेज पॉडकास्ट इज विथ यो यो हनी सिंह. तो हमने आज बात करी है मैनिफेस्टेशन के बारे में. कैसे तुम मैनिफेस्ट करके अपने हर वो ड्रीम को अचीव कर सकते हो क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन का और हनी सिंह भी बिलीवर है. उसके बाद हमने बात करी है कि जब हमारी लाइफ में डिप्रेशन आता है, जब हमारी लाइफ में कोई एक मेजर डिसीज़ आ जाती है, उसके बाद ना लाइफ में कमबैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बट हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के उनको सही करने की कोशिश करी और उसके बाद भी नहीं ट्रीट हो रहा था. उस चीज़ को उन्होंने कैसे फ़ाइट करा और कैसे उसके बाद कमबैक करके फिर से बैक टू बैक हिट्स देना स्टार्ट कर दिए. वी हैव स्पोकन अबाउट दैट. एंड देन पंजाब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. और पंजाब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उन्होंने एक माफिया स्टार्ट किया, माफिया मुंडीर. पहली बार इंटरनेट पे उन्होंने इसके बारे में बात करी है और बताया कि माफिया मुंडीर क्या था, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जिसमें बादशाह था, इक्का था और बहुत सारे बड़े बड़े रैपर्स थे जो आज इंडिया में बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए. लेकिन वो लोग सब साथ में क्यों आए थे और उसके बाद सब अलग क्यों हो गए, उस बारे में उन्होंने बात करी है. एंड इन दी एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे जो मुझे उनसे पूछना था कि रिसेंटली उन्होंने अपनी सारी कार्स बेच दी. ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी सारी स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ी? वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड द इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ यो यो हनी सिंह. मैं ना फर्स्ट जो फैन बना ना गाने का, दैट वाज, इसे कहते हैं हिप हॉप. सो वो बिकॉज ऐसा लगता है कि सबसे अंडररेटेड सॉन्ग है क्योंकि उसमें एक लाइन है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी लेके आ जाऊँगा. राइट. तो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऐसे बोलते थे लाइन्स और ऐसे लेके आने की. बचपन से मैंने ऑन है अभी. हाँ, बचपन से मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ चीज़ों को और वो होती आ रही हैं और सब कुछ बढ़िया चलते आ रहा है. तो बड़े बड़े सपने देखे, धीरे धीरे भगवान पूरा करता गया. ये गाना 10 साल पहले आया था, तब वो सपना था, आज भी है वो सपना और भी बहुत सारे नए बड़े बड़े सपने हैं. तो डेफिनेटली वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे. लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ. तो पहले से ही कि सक्सेस के मिलने की बात? बचपन से पहले से ड्रीम्स. तो कहीं लिखते हो, बोलते हो, क्या करते हो? बोलता हूँ और उसी पे फोकस रखता हूँ. अब ये करूँगा, ये करना मुझे, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा. मैं आपको कहानी बताता हूँ. अल्फाज मेरा भाई है छोटा, जिसके साथ मैंने गाना आया था हाय मेरा दिल. तो वो मेरे साथ स्टेज पे 12 साल से वर्ल्ड टूर कर चुका है. तो 2012 की बात है, हम लोग शायद आपके शहर इंदौर वगैरह में कहीं गए थे, इंडिया टूर कर रहे थे 2012 में जब मैं नया हिट हुआ था. तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था मेरा बहुत बड़ा और साइड में शाहरुख भाई की एक पिक्चर थी और उनका पोस्टर लगा हुआ था हमसे छोटा. ओके. तो कहता पाजी देखो हमारा पोस्टर बड़ा लगा है, शाहरुख भाई का पोस्टर छोटा लगा है. मैं कहा एक दिन ये आदमी हमें घर पर बुलाएगा. और 1 साल बाद वो हुआ, उन्होंने हमें घर पे बुलाया और मैं अल्फाज को साथ लेके गया. मैं कहा तूने ये बात मेरे से पूछी थी और मैंने तेको ये बात बोली थी, आज ये हो रही है. गाड़ी में बैठा हुआ, जो गए हम शाहरुख भाई से मिलने, वो बता रहा है भाई ये सही में हुआ था, ये सही में आपने बोला था और ये तो सही में हो रहा है आज. फिर गाना बना लूँगी, डांस, सब कुछ हुआ. तो क्यों बुलाया था? इसीलिए गाने के लिए बुलाया था. ओके. व्हाट डू यू लाइक अबाउट, मतलब ऐसे एक दो जगह आपने बोला भी है ना कि शाहरुख खान ने काफ़ी हेल्प करी, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, तो ऐसे बेस्ट क्या लगता है उसके बारे में, शाहरुख खान के बारे में? अगेन मेरे को आज भी मैं बताना चाहूँगा किसी को, बड़ी पर्सनल बात है. शाहरुख भाई ने मुझे 2013 में ऑस्ट्रेलिया में एक बात बोली थी. ऐसी कोई बात हुई तो मैंने कहा भाई आप एक्शन मूवी वगैरह ये सब क्यों नहीं करते? कहता यार मेरा ना जोन अपना सेट है, मुझे लोगों ने उसी तरह देखना है, मैं उसी तरह करूँगा 10 साल बाद करूँगा और ऐसी बॉडी बनाऊँगा कोई भी नहीं बना सकता. और आज उन्होंने करा वो. तो मुझे लगता है उनमें भी ये चीज़ है मैनिफेस्टेशन वाली बात कि वो भी अपने बड़े बड़े गोल सेट. बहुत सिखाया उन्होंने मुझे कि तू बड़े सपने देखता, अच्छी बात है बेटा, ऐसे करा कर, वैसे करा कर, इतनी मेहनत करा कर, ये मत करा कर, ये करा कर, तो बहुत समझाया सिखाया, क्योंकि मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया था 2013 और 14 पूरा एक साल। तो डू यू फील कि मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ब्रांडिंग फोकस करते हैं कि हर मैं पिक्चर वैसी करूँगा जिसमें मेरी ब्रांड इंटैक्ट रहे, तो ऐसा आप भी करते हो क्या कि हर गाना ऐसा निकालो जिसमें मेरा जो एक गोल है वो लोगों को सटली ऐसा पुश होता है वो दिखता रहे? नहीं, मैं उनकी तरफ काम नहीं करता, उनका काम करने का तरीका मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं, और शायद आपको भी नहीं पता आप। ये ट्रू, ये तो सिर्फ बाहर सुना हुआ है। तो मेरा काम करने का तरीका भाई, मैं बिल्कुल सारा काम दिल से करता हूँ और जो मेरा मन आता है मैं वो करता हूँ, जो ज़िंदगी जीता हूँ। जब मैंने नशे किए तो मैंने नशों के बारे में किया, गाने लिखे, सुपर हिट हुए, पार्टियाँ करी तो पार्टियों के बारे में, दिल टूटा तो दिल टूटने के बारे में, इश्क हुआ तो इश्क के बारे में। तो जो मैं करता गया वो मैं लिखता गया और गाता गया और लोग उसको पसंद करते गए, तो मैं वही चीज़ें करता हूँ। इनफैक्ट शाहरुख भाई ने मुझे एक बात पूछी, तो मुझे सरदार बोलते हो, तो 10 साल पहली बात है, तो कह रहे सरदार तू कैसे काम करता है? मैं कहा भाई मैं दिल से काम करता हूँ। मनी रत्नम, A.R. रहमान, गुलजार, शाहरुख खान, दिल से चारों ने काम किया था, दिल से बनाई थी पिक्चर, बढ़ गई थी। तो दिमाग से भी काम किया गया, तो मेरे को लगा मैं हाँ ये बात में दम है, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए कई चीज़ों में। मैं ऑडियो में दिमाग नहीं लगाता, हाउ टू पैकेज इट विजुअली उसमें बहुत दिमाग लगाता हूँ। कैसे कंट्रास्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए लोगों ने नहीं करा। हॉलीवुड में है कि मैं ही आर्टिस्ट हूँ जिसने गाना देसी कलाकार शूट किया और इतना बड़ा वो हिट हुआ। उससे पहले मैंने 1 साल पहले ब्लू आइज हॉलीवुड बुलेवार्ड में किया था, बट दैट वाज नॉट अ बिग, देयर वाज अ बिग सॉन्ग बट नॉट दैट बिग प्रोडक्शन। तो देसी कलाकार में 1 साल बाद जब मैंने वापस हॉलीवुड में शूट किया हॉलीवुड के क्रू के साथ, तो वो बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। आप आज भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो गाना ख़त्म होने के बाद एक 7 मिनट की चीज़ है जो बेफजूल चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसलिए करी कि एक कंटेंट मेरा अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा और लोग देखेंगे उसको और कि इसने ये काम किया था। तो उस तरह पैकेजिंग में और प्रेजेंटेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा गाना था डोप शोप ना मारा करो, है ना भी ना डोप शोप मारा करो, तो उसका भी जब विजुअल मैंने शूट किया था 2010 में और जब वो रिलीज़ हुआ था 2011 में, दैट वाज अ टोटल न्यू विजुअल फॉर ऐसे एनी पंजाबी सॉन्ग। तो ऐसे पुराना डेटा देखते हो कि भाई ये डेटा की वजह से ऐसा चला या दूसरे लोगों के आजकल ट्रेंड्स ऐसे चल रहे हैं, तो ये 2-3 चीज़ प्रोसेस क्या होती है गाने? टेल मी अ प्रोसेस की। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, मतलब अभी जो ये गाना बनाया तो अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? ऐसा देखते हो कि पुराना क्या चला कि नहीं, सिर्फ अब पैशन से ही निकलता है जो अपना मन कर रहा है। मैं वही बता रहा, जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो गा रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। हनी 3.0 एल्बम बनी सितंबर में। आई वॉज इन लव एंड आई वॉज फीलिंग टू मच रोमांटिक एंड इट वॉज लव ऑल ओवर माई माइंड, ब्रेन, हार्ट एंड एवरीवेयर। सो आई वॉज जस्ट राइटिंग रोमांस 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 रोमांस। उसके बाद मेरा भाई है छोटा लियो पटियाला से, वो मेरे पास आया, उसने एल्बम सुनी, वो बोला भाई इसमें तो पुराने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहा भाई ये जो मैं कर रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा अब, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। कहता आपको एल्बम को फ्लिप करना पड़ेगा, आपको पुराने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कुछ पुराने स्टाइल का। सिर्फ नागन गाने को छोड़ के बाकी सारी एल्बम रोमांटिक थी। सिर्फ नागन मैंने इस तौर पे रखा था कि मैं रोमांस लेकर आ रहा हूँ, रोमांस विद डांस भी लेकर आ रहा हूँ मैं। इट्स वेरी टफ टू मेक यू डांस ऑन अ रोमांटिक सॉन्ग भाई, इट्स देयर, इट वॉज देयर। तो मैंने कहा एक गाना मुझे नागन मसाला गाना रखना है जो पुरानी ऑडियंस को समझ में आए और पसंद आया और एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है। फिर लियो सेड दिस वन नागन इज गुड, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड एज वेल बट इट्स टू न्यू, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। करेगी नहीं करेगी, अब तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि ऑडियंस कौन सी रह गई है और कितनी बढ़ गई है और कितनी ब्रॉड हो गई है कि 100 लोग हैं तो 100 आर्टिस्ट हैं और 1000 गाने हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो कौन सी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है वो बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक चलते जा रहा है, टॉपिक है एक। तो उसने बोला कि एल्बम को फ्लिप करते हैं, तो फिर हमने काफ़ी एल्बम के अंदर मसाला डाला। अगले गाने जो आएंगे नागन के बाद बहुत कमर्शियल गाने हैं, okay। काफ़ी कुछ नया है लेकिन मस्त पुराने स्टाइल का भी बहुत कुछ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने बोला कि मैं सारे गाने उस पर लिखता हूँ जो मैं करंट लाइफ में जी रहा होता हूँ, राइट, जो जी रहे होते हैं। तो अभी करंट चैलेंजेस क्या हैं? आपने चैलेंजेस पे गाने लिखे हैं, तो बीच में एक फ़ेज़ आया था जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजेस पे गाने लिखे मैंने लेकिन वो भी रिलीज़ नहीं करूँगा मैं। अच्छा, ऐसा कोई रीज़न है उसका स्पेसिफिक? मतलब वो ज्ञान वाले गाने ना वो ज्ञान वाले गाने हैं और वो सब मैं मेरी वही डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो उसमें बहुत कुछ मैंने शेयर किया है पर्सनल लाइफ का और बुरे वक्त का जब मैं बीमारी में था, बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन है और सारा सब कुछ सच बोला मैंने उसमें, सब बता दिया। तो वो सब देखेंगे लोग तो शायद उस डॉक्यूमेंट्री के बाद वो सारे गाने मैं अगर निकालूंगा तो लोग रिलेट करेंगे। अभी तो लोग जानते नहीं हनी सिंह है कैसा, अभी तो हनी सिंह बोलते हैं ये 4 बोतल वोदका पीता है, ये ड्रग्स करता है, ये डबल मीनिंग गाने गाता है, ये पार्टी एनिमल है। मैं वैसा हूँ ही नहीं, वो एक किरदार थे जो आप सब थे, जो ऑडियंस थी, तभी मेरे से रिलेट किया। यार ये तो मेरी बात कर रहा है, यार हम भी अपने ऐसे तो शॉट मारते हैं, यार हम भी तो माल ऐसे ही फूकते हैं। तो तभी जनता ने मुझसे कनेक्ट किया, बट वो मैं नहीं हूँ। तो एक बार जब लोग और मैंने इंटरव्यूज खास दिए नहीं अपनी लाइफ में, अभी मैं पिछले 6 महीने से इंटरव्यूज दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देता ही नहीं था इंटरव्यू। तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि मेरे पास आए और मैं एक कैमरे पे, एक माइक पे सारी कहानी सुना दूं, सब कुछ बताऊँ, और वो अब डॉक्यूमेंट्री। बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है, लाइक व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके अभी क्या लगता है, क्योंकि हनी सिंह का कमबैक is a challenge. No, big challenge. Okay. Why do you feel it's a challenge? Don't you feel confidence कि यार आपको तो accept कर लिया audience ने, पता है audience के बारे में? नहीं, पता क्या है, अभी ना गाने मैंने हनी 3.0 से पहले भी कुछ निकाले, कुछ चले नहीं चले, जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी। लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 2012, 2013, 2014 में, वो पागल करनी है वापस से। जो जेनजी है, जो उस वक्त 8 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, अब वो 18-20 साल के हो गए, अब वो अलग आर्टिस्ट को सुनते हैं जिनसे वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। हनी सिंह से वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल के ऑडियंस की थोड़ी लिरिकल सेंस नहीं कहूँगा, लेकिन लिरिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू द ऑडियंस जो 10 साल पहले थी। 10 साल पहले ऑडियंस बहुत स्मार्ट थी, लिरिक्स के ऊपर वो फ्लिप करती थी, हल्का गाना दो तो उनको मज़ा नहीं आता, उनको ये नहीं कि सिर्फ ग्रूव डाल दिया और वाइब हो रही है। आजकल एक वर्ड चल रहा है जेनजी में, वाइब है यार गाने में, क्या गा रहा है ये पता नहीं क्या गा रहा है, बट वाइब है यार गाने में। अब वो ऑडियंस है तो कुछ वाइब वाले गाने भी निकालने पड़ेंगे। तो दैट्स अ चैलेंज, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि वाइब बनाना है, एंड यू फोकस ऑन लिरिक्स। या लिरिक्स एंड म्यूजिक, सिंगिंग मेरी इतनी खास है नहीं, जो भी मैं तोड़ मोड़ के ऑटो ट्यूनर के साथ गा लेता हूँ वो मैं गा लेता हूँ, बाकी लिरिक्स इज प्राइम। Okay, एक बात बताओ, जस्ट एज अ ब्रदर, यंगर ब्रदर आई एम आस्किंग कि जब व्हेन यू आर सक्सेसफुल ना, सब सारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट? व्हेन यू हैव अ डाउनफॉल, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ फेज, लोग आसपास चले जाते हैं, राइट? बट वर देयर पीपल इन योर लाइफ कि हु वर देयर विथ यू? नहीं, बहुत सारे लोग, मेरे यारी दोस्ती, मेरे माँ बाप, इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स है जो रहे इंडस्ट्री में? मेरे ना दोस्त नहीं है, मेरे मेंटोर और गॉड ब्रदर्स रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बच्चन साहब गॉडफादर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ मेरे को खड़े होने का मौका दिया। लोग 30-30 साल से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चन साहब के साथ खड़े नहीं हो सके, शाहरुख भाई के साथ खड़े नहीं हो सके, नाच नहीं सके, मेरे को इन लोगों ने मौका दिया। तो फ्रेंड्स नहीं है मैं कहूँगा मेरी इंडस्ट्री में, लेकिन ये गॉड ब्रदर्स एंड गॉड फादर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स बरकरार रही जब मैं बीमार था, जब मैं सीन से आउट था। और आज भी मुझे बॉलीवुड, मैंने बॉलीवुड बिल्कुल नहीं करना था 2022-23 मैं नहीं कर रहा था, मेरा फोकस इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन, हनी सिंह अपने गानों पे, अपनी शक्ल पे, अपने म्यूज़िक वीडियो पे वापस दुनिया को पागल करेगा, ये मेरा टारगेट था। अक्षय बाजी कॉल मी अब लास्ट ईयर, मेरे को पिक्चर में सेल्फी में तेरा एक गाना चाहिए कि तू अब वापस आ गया है, तू पहले जैसा दिख रहा है, फिट है, खुश है, हैप्पी है, गाने बना रहा है, एक गाना मुझे भी दे। मगर चलो भाजी आपको भी गाना देता हूँ। सलमान भाई ने मुझे मौका दिया, अभी किसी का भाई किसी की जान में मेरा छोटा सा रैप है एक गाने में, गाना पूरा मैंने नहीं गाया, छोटा सा रैप है, उन्होंने बुलाया हैदराबाद, शूट करा, मौका दिया। तो ये लोग इतने वाइज हैं और इतने। वाई डू यू फील कि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं सक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग या जिन्होंने मिल रहा है, उन लोगों को इतनी जल्दी से मौका नहीं मिलता, एंड यू गॉट, हम ब्लेस्ड के साथ खड़ा, हम ब्लेस्ड, दैट्स द, या हम ब्लेस्ड, देयर इज नो अदर रीजन कि दे फील दे मस्ट हैव, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल मोर टैलेंटेड देन मी, देयर आर मच मोर पीपल हु आर लेस टैलेंटेड देन मी, बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम लाइक gifted son of God. So they, because of that you keep getting opportunities. I'm blessed there, bro. Okay, what's next for you? Lots of things. मतलब क्योंकि अब fame हो गया, business हो गया, power हो गया, money हो गया, what मतलब क्यों उठते हो रोज सुबह, क्या करना है, हो गया सब? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत एम्बिशियस हूँ मैं बचपन से, और बहुत क्या एम्बिशन है नेक्स्ट विच यू फील कि भाई ये बस म्यूजिक बनाते रहना है, पैसा कमाते रहना है, ज़िंदगी एंजॉय करनी है, माँ बाप को खुश रखना है, दोस्तों यारों के साथ भाइयों के साथ प्यार से रहना है। और लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी उसको जो मशहूर होता है, मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि मैंने फॉर मी सेलिब्रिटी मीन्स अ गाय अ पर्सन हु सेलिब्रेट हिज लाइफ एवरी डे। सो मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि मैं बचपन से इन्जॉय करता आ रहा हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे बचपन के आर्काइव्स हैं काफ़ी, तो आपको बचपन से दिख जाएगा कि ये बच्चा कुछ अलग है। तो सेलिब्रेट करनी है लाइफ एज अ सेलिब्रिटी, सिंपल। यू नो आई हर्ड रिसेंटली यू टेल मी कि आपने सारी गाड़ियाँ बेच दी आपकी। क्या क्या सीन है वो, टेल मी अबाउट दैट स्टोरी। मैं बीमार हो गया था भाई, तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि गाड़ी नहीं चलाएंगे। ओके और उसके बाद आज तक मैं गाड़ियाँ चलाता ही नहीं हूँ। शौक भी ख़त्म हो गया उस वक्त, नया नया पैसा था, नया नया शौक था, उम्र छोटी थी, 27-28 साल का था, बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स ले ली थी, ये सब कर ली थी। अब वो सब उम्र भी हो जाता है, 40 नाउ, तो मन नहीं होता, मन नहीं। अब चार्टर प्लेन लेंगे, यॉट्स लेंगे, दिल्ली वाले फ्लैक्स तो करेंगे। ओके, हाउ यू यूज टू गिव मी अ बैकग्राउंड ऑफ कि पहले जब स्टार्ट कर रहे थे आप तब पैसे कैसे कमाते थे? बिकॉज मैं 2003 से बीट्स बना रहा हूँ। 2003 में लोकल रैपर्स थे दिल्ली के जो इंग्लिश में गाते थे, उनके लिए बीट्स बना रहा हूँ। जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट। मुझे पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं, वो धीरे धीरे हुआ 4-5 साल में। 2003 में मैं हिप हॉप बीट्स बनाता था लड़कों के लिए, अंडरग्राउंड वो सब गाते थे। उस टाइम हिंदी रैप तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंग्लिश में गाते थे सारे लड़के। तो उसके बाद 2005 में मुझे पहले गाने का मौका मिला अशोक मस्ती जी के साथ, खड़के गिलासी तेरे नाते ठेके तेरे नित्य खड़के, सो लाइक टैंग नैंग नैंग। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर इन इंग्लिश। तो वो BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर 1 चला गया था, मुझे अवार्ड मिला उसके लिए, लेकिन मेरे पास काम नहीं था क्योंकि वो एक हिप हॉप बीट चली और किसी को और हिप हॉप बीट्स नहीं चाहिए थी। बॉलीवुड में कुछ और चल रहा था, इश्क दी गली विच नो एंट्री नो 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 नो, ये सब चल रहा था। उनको हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं। बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था, दिल्ली में मैं रहता था, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक ही रीजनल इंडस्ट्री थी जो थी पंजाब की। पंजाब में चल रहा था ढोल, हर गाने में ढोल बजता था। मेरे को यारों दोस्तों ने बोला पंजाब शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे तेरे को काम मिलेगा, वहाँ पैसे मिलेंगे, वहाँ पैसे मिलेंगे। 2 साल मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरा दोस्त है मधुकांत, तो उसने 2 साल मेरे को खाने का, कपड़ा पहनने का, गाड़ी में तेल डलवाने का, CNG गैस होती थी गाड़ी में, तो CNG डलवाने का पैसा सब उसने दिया। और वो मेरे को समझाता रहा रोज़ कि तू पंजाब जा और वहाँ पे काम कर। मैं भाई मैं ढोल नहीं बजाऊँगा, हम हिप हॉप अर्बन प्रोड्यूसर, आई वॉन्ट टू बी इंटरनेशनल। इसे नहीं, तेरे को पैसा तो कमाना है ना, पिताजी कह रहे हैं पैसा कुछ करना है। देन आई शिफ्टेड टू पंजाब इन 2007। ओके, देन आई डिड माई फर्स्ट एल्बम बाय द नेम ऑफ रीबर्थ फॉर अ सिंगर कॉल्ड लेट राज बराड़, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एल्बम पंजाब, कनाडा और UK में सुपर हिट हो गई। फिर मेरे पास काम आना शुरू हो गया, अलग अलग सिंगर आने लग गए। दिलजीत केम टू मी फॉर अ म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एवरीबडी, सो उसकी एल्बम बनाई मैंने दिलजीत की एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। रैप भी किया उसमें मैंने पंजाबी में। उस वक्त में बहुत सारे सिंगर आने शुरू हो गए। फिर कुछ गाने मैं ऐसे बनाता था जो बहुत अर्बन थे, लिखना शुरू हो गया था मैं, तो वो कोई गाता नहीं था। उसमें गाना बनाया था मैंने ब्राउन रंग, किसी ने नहीं गाया। फिर मैंने जब गाया, फिर तब से मेरी शुरुआत हुई एज ए सोलो इंडिपेंडेंट सिंगर। म्यूज़िक प्रोड्यूसर में था और राइटर और परफॉर्मर की। तब से फिर दुकान चल पड़ी। तो तब वो एक ही एवेन्यू था पैसे कमाने का, हाँ वो एक ही बस वही था। और अब कितने एवेन्यू से पैसे कमाने का? अब ऊपर वाले की मेहर है, हर तरफ से आ रहा है। बट गिव मी एन आइडिया ऑफ कि कहाँ कहाँ से एक आर्टिस्ट कैसे कैसे पैसे कमाता है। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मेन दुकान है, उसी को रोज़ खोल के धूप अगरबत्ती करनी है, उसी से पैसा कमाना है। उससे पैसा बचा के कोई छोटी दुकान खोलिए तो उस दुकान पर जाके नहीं बैठना। उससे पैसा कमा के कोई बड़ी दुकान खोली है तो उस दुकान पे जाके नहीं बैठना, उसी दुकान पे बैठना है जिसने बाकी दुकानें दी हैं। तो मेरा प्राइम फोकस इज़ म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट। मैं सारा पैसा यहीं से कमाता हूँ, मेरा फोकस भी यहीं है। बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेसेस में, वो सब चलती रहती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स जस्ट लाइक कि ग्रो हो रहा है, चलो हाँ सब कुछ ग्रो हो रहा है। बट डेफिनेटली आई वॉन्ट नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आई गोना स्टार्ट एज अ प्रोड्यूसर फॉर फिल्म्स, और उस पर काफ़ी काम चल रहा है। Okay, tell me Punjab, let's go back to the Punjab days, yeah, right? That's where your journey started. Oh man, amazing. हर स्कूल का बच्चा उल्टे सीधे गाने गा रहा था. That was like the fun times, right? तो उस टाइम पे आप चार पांच लोग साथ में काम करते थे ना, क्या था उसका नाम, माफिया मुंडीर, वो क्या था, व्हाट वाज इट, बादशाह, चार पांच लोग बिल्कुल कभी भी साथ में नहीं काम किया। और माफिया मुंडीर पंजाब से शुरू हुई और उसमें कौन लोग थे, कौन क्या बोला, व्हाट वाज इट, एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। ओके, माफिया मुंडीर में जो बाकी लड़के जुड़े वो सब दिल्ली से जुड़े, पंजाब से नहीं जुड़े। पंजाब से जुड़े अल्फाज, एक जे स्टार लड़का होता था, एक मनी हौजर लड़का होता था, एक लड़का था निंजा जो आज भी निंजा के नाम से बहुत मशहूर सिंगर है, और ये लोग सब आर्टिस्ट थे। एक मुंडीर का मतलब होता है बंच ऑफ बॉयज, नॉट गैंगस्टर्स, नॉट गैंग्स, बंच ऑफ बॉयज मुंडीर। अब एक लड़का खड़ा होता है तो लोग बोलते हैं ना लड़का खड़ा है, चार पांच लड़के होते हैं, लड़के खड़े, यार उधर चलते यार वहाँ लड़के खड़े, यार उधर मत जाइए वहाँ लड़के खड़े। तो पंजाबी में बोलते हैं मंडीर खड़ी है। तो माफिया इज अ आइडियोलॉजी आई बिलीव फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। ओके, बिकॉज बहुत एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वो लोग, बहुत मूवीज़ देखी उनसे इंस्पायर हुआ और पढ़ा, ये वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो इंस्पायर हुआ। मैं गैंग्स में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माफिया में बिलीव करता हूँ। टेल मी डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। गैंगस्टर्स दे किल ऑन स्ट्रीट्स, दे फाइट ऑन स्ट्रीट्स, दे मेक गैंग ऑन स्ट्रीट्स। माफिया दे सिट ऑन टेबल विद सूट, दे कंट्रोल देम, दे कंट्रोल गैंगस्टर्स, दे कंट्रोल द स्ट्रीट्स व्हाइल सिटिंग एट होम एट अ डिनर टेबल, व्हाइल कुकिंग, व्हाइल सिटिंग इन द ऑफिस। इट्स ऑर्गेनाइज्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। बट मेरा इन्फ्लुएंस क्राइम से नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से है कि वो, और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो मुझे पसंद थी, जिस वजह से मैं आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने आज तक नहीं करी। सब मुझे सवाल पूछते हैं, मैं मना कर देता हूँ। कई आर्टिस्ट है क्लेम करते हैं कि हमने माफिया मुंडीर बनाई, हम माफिया मुंडीर है। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है, जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज़ रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। तुम कह रहा हनी सिंह था, हाँ हनी सिंह ने शुरू किया था, नहीं हमने शुरू किया था, हनी सिंह भी था, हम भी थे, ये भी था, वो भी था, वो भी था, सब बोलते हैं। मैंने आज तक किसी भी टेलीविजन पे, किसी भी कैमरा के सामने बात नहीं बोली, क्योंकि तो अगर आपको कहते हो कि आप माफिया मुंडीर थे तो आप माफिया मुंडीर की आइडियोलॉजी है विच इज रिस्पेक्टिंग योर हायरार्की। ये नहीं कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो मेरे जो से नीचे वाला उसकी भी नहीं कर रहा। Interesting. So ये first principle था, तो उसके बेस पे you made a platform. I just made a platform so that everybody should come, just sing, entertainment, but in a mafia style. Respect the hierarchy. What you make, you share. What you make, you share. कौन सी मूवी ऐसा आइडिया आया था? Just want to know. बहुत सारी. Godfather type, ये सब. Godfather तो बहुत बकवास मूवी लगती है मुझे. Okay. मुझे Scarface बहुत पसंद है. Okay. बहुत ही ज़्यादा. और एक मूवी थी Carlito's Way. विच इज नॉट अ माफिया मूवी, इट्स अ गैंगस्टर मूवी। बट उसमें भी अगर आप देखेंगे कि अल पचिनो का जो कैरेक्टर है, जो कार्लिटो प्ले किया है उसने, वो गैंगस्टर होने के बावजूद वो बहुत माफिया है। ही इज इन द स्ट्रीट्स, बस इवन दो हिज एवरीथिंग इज सो माफिया। सो अगर वो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता तो वो कार्लिटोस की जगह बहुत बड़ा माफिया होता। बॉलीवुड में कोई पसंद है माफिया मूवी? बॉलीवुड में माफिया मूवी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के करियर में सिर्फ एक बनी है, वो है मकबूल। उस जैसा सिनेमा 2003 में आई थी, विशाल भारद्वाज जी ने बनाई थी। उस जैसा सिनेमा हिंदुस्तान में शोले के बाद बना तो वो बना। एक मुझे एक चीज़ बताओ, यू नो रिसेंटली अभी ये बहुत फेमस हो गया है कि पंजाब में या हरियाणा में या नॉर्थ साइड में, स्पेसिफिकली नॉर्थ रीजन में, अगर आप आर्टिस्ट बहुत बड़े बन जाते हो या कुछ भी होते हो, सो पीपल स्टार्ट थ्रेटनिंग यू। मतलब आपको ऐसा होता है कि डेथ थ्रेट आते हैं, या ऐसा होता है कि हमसे कॉपरेट करो, डोनेशन दो, नहीं तो वो नहीं करे। तो ये रियल होता है कि इट्स, पता नहीं इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ के अंदर नहीं है, हाँ इट वर्ल्ड वाइड। बॉम्बे में कितने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुई हैं 90s में, यू नो इट, एवरीबडी इज़ लाइक, बहुत बुरा हाल था यहाँ। तो सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बात, बिल्डर्स किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो आर यू स्कैर्ड, लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि दैट आर यू स्कैर्ड कि भाई कभी हुआ ऐसा? यार मौत से तो डर लगता है, और सच बताऊं तो सिर्फ मौत से डर लगता है और किसी चीज़ से नहीं डर लगता। कुछ भी किस सिर्फ तो मौत से डर लगता है। ऐसे कभी कुछ हुआ इंसिडेंट? नहीं अभी तक नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ लेकिन मौत देखी है नज़दीक से काफ़ी बार। इलैबोरेट अगर आपको बता रहे हो तो कोई था यार वो बड़ा डार्क फेस था, मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जब मैं 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर पर रहा हूँ 5.5 साल, तो वो बहुत मतलब मैं तो एक वक्त पे मौत से इतना डर डर के भी फियर में चला गया था मैं। फियर सिम्टम्स आते रहे बहुत ज़्यादा, इस लाइट से भी डर लग रहा है, झूमर से भी डर लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऐसा लगता था कि होता था कि यार मौत ही आ जाए, तो ऐसा भी हुआ लेकिन फाइनली वापस हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई। You know, I have seen that very closely as well, because one of my like very close family members have gone through the phase of this. And in I think one of your interviews you've spoken about कि you used to take a medicine called Schizophrenia. Yeah, so I've seen that. मैंने उसका repercussions देखे हैं, उसके consequences देखे, so I can understand what you were going through because I've seen such. मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरे हिसाब से तकरीबन 12 से 15 मिनट का पूरा सेशन है जहाँ पे मैं दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस के बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे मेंटल हेल्थ से वर्ल्ड वाइड जूझ रहे हैं और उसको फेस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे, 7 फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरा केस भी बहुत ख़राब था, केस बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा। और शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो इसको बस दवाई खिलाते रहो, सुलाते रहो और खाना खिलाते रहो, दैट्स इट, खत्म है ये, खत्म। सम सिस्टम कम बैक लाइक व्हाट धीरे धीरे हुआ यार अपने आप। डॉक्टर चेंज हुआ मेरा, मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हुए बहुत अच्छे। माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों भाइयों की दुआएं थी, फैंस की दुआएं थी कि वापस मेरे को लाना चाह रहे थे। धीरे धीरे ठीक हो रहा था, धीरे धीरे ठीक होने के बावजूद बीच बीच में कुछ कुछ गाने बना रहा था। मैंने बीमारी में गाना बनाया, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीमेक, इंडिया का पहला 200-300 मिलियन था कुछ वो। और फिर दिल चोरी साडा हो गया की करिए कार्तिक आर्यन की फिल्म में आया था। फिर मैंने थोड़ा और बेटर होकर मैंने कहा इंडिपेंडेंट करूँगा। फिर सैया जी मेरा एक गाना आया था, बट मैं मोटा था, चल नहीं रहा था, मतलब गाना चल रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। धीरे 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 तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हाँ धीरे 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 हो गया। ओके टेल मी, आप सिद्धू पाजी से मिले थे? नहीं मैं मिला नहीं, भाई से मेरी 2 बारी बात हुई थी और वो जब 2 बारी दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी ज़्यादा। फ़ोन पे भी बहुत छोटी बातें हुई हैं, मतलब डिटेल बात नहीं हुई खास, कभी इतना क्लोज नहीं था। नहीं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी वगैरह। ठीक है, लेट्स गो टू योर इनिशियल फेज। ओके, क्योंकि तब है ना स्कूल में बड़े वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता, तो हम लोग सब कूल बन के पूरे सारे बॉयज़ क्लब यू नो यूज टू सिंग दोज सॉन्ग्स। तो एक टाइम पे गया था आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई थी कि भाई हनी सिंह यही गाने गाते हैं, राइट, कि हनी पाजी हैं तो मतलब वो यही करेंगे और यही गाने गाते हैं। सो ये सोचने के बाद यू वांटेड टू टर्न अराउंड योर इमेज कि नहीं गाने तो जो कौन सी इमेज चेंज करी मैंने, कौन सा गाना गा दिया मैंने? इसके बाद काफ़ी पॉपुलर कमर्शियल गाने गा दिए जो बहुत पब्लिक में आप सुन सकते हो, पार्टी कर सकते हो। मैंने तो गाए वही हैं और कोई गाना गाया नहीं मैंने। अच्छा, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाज नॉट ए सॉन्ग? नेवर। ओह, तो उसके साथ एसोसिएशन क्या? एसोसिएशन इसलिए हुई क्योंकि एना वीना डोप शो मारा करो, बिकिनी में लड़की यॉट पे नाच रही है और मैं उसमें बोल रहा हूँ चक्को 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 कोई फ्रेश नहीं हो मिलना। मैंने एक मजाक किया, चक्को 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 कोई फ्रेश नहीं हो मिलना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। फिर एक गाना था एक और बलात्कारी, वो भी मैंने नहीं गाया, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर केस हुआ। मैं कभी बोला नहीं, अगर मैं बोलता तो बात वहीं रुक जाती। क्यों नहीं बोला, क्या था सीन? मैंने कहा चल रहा है चल रहा है, तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी बोला ही नहीं मैं। अब जाके एवरीथिंग ओपन अप। मैं वो न्यूज़ चैनल पे बैठ के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं करना चाहता, नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब है। मुझे नहीं करना था वो। मैं वक्त आएगा एक कैमरा पे एक माइक पे बोलेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा? मुझे ऐसा बोल देंगे कि ये मिसोजिनी करता है, ये यूथ को बिगाड़ रहा है, ये अल्कोहल ड्रग्स पे गाने बना रहा है, वो सुन रही है। मैंने लड़कियां देखी चरस भरती हुई 2009 में दिल्ली में। मैं चंडीगढ़ में रहता रहा, मैं दिल्ली आता था, वो चरस भर रही होती थी। तब मैंने गाना लिखा था एना वीना डोप शोप मारा करो। मैं उस लड़की को मना कर रहा हूँ कि ये डोप शोप मत करा कर, लेकिन हनी सिंह मनाता है गाने डोप शो। गा लो भाई, प्रमोशन दे रहे हो तुम। So do you believe in this कि हर promotion good promotion bad promotion promotion होता है? It depends upon you. अगर आप, what do you believe in? देखो पता क्या होता है, लोग बहुत believe करते हैं image में. हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत सारे मशहूर लोग इसमें बहुत ज़्यादा believe करते हैं. मैं उस चीज़ में believe नहीं करता कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ. मैं क्या हूँ, मेरा कोर क्या है. मेरा कोर घटिया नहीं है, ये मुझे पता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तो अगर इसको आप गलत ले रहे हो तो आप घटिया हो, मैं घटिया नहीं हूँ. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल, लेडी सिंगर बोल रही है, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए. लड़की कह रही है कि मुझसे इतना चिपक जा कि फूल भी ना है बीच में. क्या है ये? गुलजार साहब, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आ गए. फीमेल आंसर, फीमेल सिंगर गा रही है, गुलजार साहब लिख रहे हैं. 400 लोगों के आदमी, गंदे गंदे लोगों के बीच में एक एक्ट्रेस डांस कर रही है. बहुत कुछ ऐसा. तो सिर्फ पोजिशनिंग की बात है, यू फील की, सोचने की बात है, सोच लिया. और क्या होता है ना, जो नहीं बोलता ना उसको लोग और बोलते रहते हैं. हाँ. कि ये तो साला बोलेगा नहीं ना, इस पे डाल दो, ये तो बोलेगा ही नहीं, इस पे डाल दो. तो कभी ऐसे सोचा नहीं बीच में कि यार मैं अब तो पोजीशनिंग चेंज करूँ, मैं कुछ तो करूँ? पोजीशनिंग चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है. कि पोजीशनिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं होती. मतलब जो मैं देख रहा हूँ मैं वो गा रहा हूँ. जो मैं सुनता हूँ, रुकमनी, रहमान सर को सुनता हूँ, रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा, अंतरे में है बाहों में है, बाहें डाले मीठी बातें होने लगी, खटिया भी धीरे धीरे खटखट होने लगी. ये मैं सुनते आया हूँ, ये सुन के बड़ा हूँ, रहमान सर को सुन के बड़ा हूँ. ये रहमान सर ने गाया, ये बाबा साइकिल ने गाया, और रहमान सर का म्यूज़िक है. मैं क्या बाहर से लेकर आया हूँ, सब यहीं से उठाया, कहाँ से मार से लेकर आया हूँ मैं. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ये गाऊँगा ना अगर मैं आज तो कोई नहीं सुनेगा. इंटरेस्टिंग टेक, नेवर थॉट ऑफ दिस वे. ओके, एक दो चीज़ें बताओ मुझे ऑन योर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग म्यूज़िक एंड कंटेंट. ओके, पहले जैसे लोग कंटेंट बनाते थे, पैकेज करते थे, वायरल करते थे, हमने बोला लिरिक्स पे बहुत फोकस होता था, वो बहुत डिफरेंट था. अब ना शॉर्ट फॉर्म की वजह से पूरा गेम चेंज हो गया. बोर हो यार. तो उस पर कोई टेक है क्या है कि व्हाट डू यू फील कि अब आई डोंट नो, आई एम स्टिल लाइक अनअवेयर, आई एम स्टिल कन्फ्यूज. पहले मैं चीज़ बनाता था, मैंने गाना बनाया ब्राउन रंग, मैंने कहा ये गाना हिप हॉप बीट्स जिसमें मैं ठेठ पंजाबी लिरिक्स गा रहा हूँ, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने. मैं कहा मैं इसके लिए बॉडी बनाऊँगा, मैंने 3 महीने बॉडी बनाई. मैं कहा मैं इंटरनेशनल शूट करूँगा, मैंने दुबई पिक किया. मैं कहा मैं गोरा डायरेक्टर पिक करूँगा कि वो कैनवस इंटरनेशनल लगे. मैंने गोरा डायरेक्टर पिक किया, मैंने शूट किया. जैसे शूट खत्म हुआ मेरे हाथ में फर्स्ट कॉपी है, मैं कहा दिस विल वर्क. उसके बाद शाहरुख भाई ने बुलाया, अंग्रेजी बीट गाना चल रहा था, अंग्रेजी बीट बनाया, मैं कहा दिस विल वर्क. डोप शॉप बनाया, दिस विल वर्क. जो भी बनाया ऐसे दिस विल वर्क, ऐसे करता रहा मैं. शाहरुख भाई ने बोला अंग्रेजी बीट जैसा गाना बना दे. मैं कहा नहीं, आपकी मूवी की वाइब क्या है? 3 घंटे उन्होंने नरेट करी मुझे मूवी. मैं कहा कुछ बना के लाऊँगा, और बना के लाऊँगा तो सुपर हिट होगा तो लाऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा. बनाया मैंने लूँगी डांस, कहते हैं समझ नहीं आया. मैं कहा चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको सिंगल रिलीज़ कर दूंगा, बट दिस विल वर्क. टुडे आई हैव 52 सॉन्ग्स इन माई बैंक, आई कैन से ऑन वन सॉन्ग. ये नहीं कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया, सीन ही चेंज हो गया. 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई गाना चलता ही नहीं है, कंटेंट बोरिंग हो जाता है. हमें आदत पड़ गई है, अब आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, आप इंस्टा पर जाओगे, आप उसको रिफ्रेश मारोगे फीड को, क्योंकि आपको कुछ नया देखना है. पहले ऐसा नहीं था, दौर चेंज हो गया. ये मैं सीख रहा हूँ, पिछले 6 महीने में मैं ये सीख रहा हूँ, और सीखता रहूँगा. तो ये मुझे सीखना ज़रूरी है, तभी मैं वो दौर लेके आ पाऊँगा जो मैं पहले लेकर आया था. उस दौर पे लोगों को लगा एकदम से हनी सिंह आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, धमाल कर दिया. मेरा होमवर्क था उससे पहले 10 साल का होमवर्क था मेरा. अब वो वापस होमवर्क स्टार्ट, वो होमवर्क शुरू हो चुका है. यू नो, बट ये बहुत ट्रू है कि इंडियंस को, ये बहुत सही लाइन बोली कि इंडियंस को जब भी आप वेस्टर्न कल्चर दिखाते हो लेकिन इंडियन बातें करते हो ना, चलता है राइट। यूजुअली पहले सॉन्ग्स में भी ऐसा होता था कि आपने आपके सॉन्ग मोस्टली ऐसे ही चले कि वाइब बाहर की है लेकिन गाने लिरिक्स इधर के राइट। और ये ब्रांड्स में भी चलता है। मैं एक ब्रांड के बारे में बताता हूँ, चिंग सुना है? चिंग नूडल्स राइट। तो चिंग नूडल्स का जो फाउंडर है वो बिलीव ऐसा करता है कि भाई मैं जो ऐसी ब्रांड बनाऊँ लगनी चाहिए बाहर की है। अच्छा, चिंग नूडल्स बोले वो इंडिया में तभी चलेगी जब लोगों को लगेगा कि बाहर की ब्रांड है वो इंडिया की बनी हुई इंडियंस के लिए लेकिन बाहर की ब्रांड है। अच्छा, मतलब ऐसा वाइब आना चाहिए। अच्छा। और वो चल गई। हाँ। वो ऐसे उसने और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जो बाहर का वाइब देते हैं इंडिया में। तो सेम आपका भी वो आइडियोलॉजी था? अब चलता है ऐसा? नहीं, सब चलता है। मैं नागन, मैंने मेक्सिको में शूट किया। नागन इज़ अ सॉन्ग विच इज़ वेरी ठेठ पंजाबी। 3 लोगों से मैं इन्फ्लुएंस हूँ, ए आर रहमान सर, अपाची इंडियन और अमर सिंह चमकीला। इनसे, इनकी पर्सनालिटी से, इनके म्यूज़िक से, इनके लिरिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो मैंने इस गाने में नागन में अमर सिंह चमकीला का वोकल टेक्सचर कॉपी करने की कोशिश करी है और उसको मैंने ठेठ पंजाबी स्टाइल में गाया है। तो मैं रोमांस की एक लड़की की तारीफ़ की बात कर रहा हूँ कि मुझे तो बहुत पसंद है, तू मेरी नागन है। तो बहुत जहरीली है, मतलब मैं भी बहुत जहरीला हूँ, तू भी बहुत जहरीला, तू मेरी नागन है। तो बट इसको मैंने शूट किया है मैक्सिको में विद 70 गर्ल्स इन बिकिनी, टोटल डिफरेंट विजुअल्स। सो दिस इज़ लाइक व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट, लाइक कि मेरी साउंड, मेरे लिरिक्स उस विजुअल पे जमते हैं। मैं ब्राउन रंग में कह रहा हूँ, ऊरे या तेनू एक गल समझावा, माड़े पुरजे नू कदी हथ मैं ना लावा। ठेठ पंजाबी लाइन है कि भी ना, मेरी साधारण सी लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं तेरे को ये बात समझा रहा हूँ, मुझे तो तू ही पसंद आएगी। बट आई एम सिंगिंग इन canvas where Bugatti is behind me and this international style picked it up. I do shows in Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Chennai. They sing these lines. उनको पता भी नहीं इसका मतलब, इतनी ठेठ पंजाबी लाइन है। तो वही मैंने कोशिश नागड़ में भी करी है, ठेठ पंजाबी रखा है इसको। तो लास्ट 2 questions okay on this कि if you look at America राइट, तो जैसे उनके वो जो उन्होंने सॉन्ग्स बनाए वो ग्लोबल सॉन्ग्स बन गए राइट। इंडिया में ऐसे नहीं हुआ अभी तक हमने कि बहुत ग्लोबल सॉन्ग बनाए, एक्सेप्ट फॉर पंजाबी म्यूज़िक। कुछ पंजाबी म्यूज़िक है जो अब ग्लोबली बनते जा रहा है राइट। तो ये स्ट्रैटेजी इसके लिए थी कि मैं ग्लोबल अप्रोच दिखाऊंगा तो मैं वर्ल्ड वाइड मेन स्ट्रीम बनूंगा। जिंदगी में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ वर्ल्ड, माई 1.5 बिलियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई डोंट गिव अ फक टू इंटरनेशनल म्यूजिक सीन। I'll be in international music scene as a music producer, but not as a singer, because मेरे को अंग्रेज़ी इतनी बढ़िया उनकी लिखनी आती नहीं, बातें उनकी बातें पता नहीं मुझे, मुझे अपनी बातें पता है, लोकल बातें। तो कभी भी उनका स्टाइल या उनको इम्प्रेस करने का मेरा तरीका नहीं था। मेरा ये थॉट था कि देसी लड़का, दिल्ली का, लोअर मिडिल क्लास का, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच के इस बड़े कैमरा, इस बड़े शहर, इस बड़ी कंट्री में, इस बड़े सेटअप में शूट कर रहा है लेकिन बातें कर रहा है रोटी और भिंडी की। एक काम करो, देसी कलाकार रोटी और भिंडी की बातें कर रहा है। तो मैंने कोई पिज्ज़ा की बात नहीं करी, हालांकि पड़ा हुआ है यहाँ पे मैंने रोटी भिंडी की बात करी। तो मेरे को कभी गोरोत को मैं कभी तवज्जो ही नहीं देता। पर ऐसे हम लोग ऐसे क्या करें कि अपना म्यूज़िक अब ग्लोबल हो जाए? बिकॉज देखो हम लोग ग्लोबल हैं। स्पेनिश को छोड़ के इंग्लिश म्यूज़िक 1.5 बिलियन लोग थोड़े ना सुनते हैं। स्पेनिश म्यूज़िक सुनते हैं 7 बिलियन है, डेस्पासितो वगैरह, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। हम लोग ग्लोबली तो हैं यार, हम क्यों सोचे कि हम ग्लोबल नहीं, हम क्यों नेशनल हैं? वी आर इंटरनेशनल पीपल, वी आर एवरीवेयर। तो वी शुड, यू फील एवरी। सिद्धू ने भी किया, सिद्धू को काले सुनते हैं, गोरे सुनते हैं, रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। उसने नहीं गाया अंग्रेजी में, उसने तो बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियो भी नहीं बनाए मेरी तरह। मेरा स्टाइल अलग था, मेरा थॉट अलग था, उसका थॉट अलग था। मैं ट्रैक्टर पे बेच के गाऊंगा तो साला ये इंटरनेशनल चलेगा। चला, करेज था लड़के में, तभी वो एक वैसा एक ही हुआ है, होगा भी नहीं दोबारा। इंटरेस्टिंग। सो हमें फोकस सिर्फ करना चाहिए भाई अपने 1.4 अपने आगे, हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे अपने आप। हमें थोड़े ना गोरों कालों की रीस करनी है। मोदी जी बोलते ना, हिंदी में बात करते ना। हाँ, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट में तो नहीं बात करते, सिंपल आदमी है। That's the man. That's gonna work. Yeah. Okay. Last thing I wanna understand from you is कि when जब आपका dark phase होता है right, dark side होता है, तो सबसे ज़्यादा challenging चीज़ क्या होती है? How do you overcome that? क्योंकि ना लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई मैं वापस आऊँगा ही नहीं। मेरे ना हो गया ज़िंदगी में, मैं जिस तरह का आदमी हूँ ना, मैं किसी भी चीज़ को डार्क नहीं लिया आज तक। आपका कोई डार्क साइड नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने किसी भी चीज़ को डार्क नहीं लिया आज तक, बचपन से लेके आज तक। स्कूल में फेल हुआ, डार्क नहीं लिया, हंस पड़ा। पापा से मार पड़ी, डार्क नहीं लिया, हंस पड़ा। ये हुआ, डार्क नहीं लिया, हंस पड़ा। म्यूज़िक में आया, गाने नहीं चले, डार्क स्ट्रगल हुआ, डार्क नहीं लिया, हंस पड़ा। मस्ती करता रहा, मौज करता था। टच वुड मेरी नेचर ऐसी थी। मेरे दोस्त हैं, अभी पुराना 25 साल पुराना मेरा दोस्त है रोहित, मेरा मैनेजर है, मैनेज करता है मेरे को। उससे पूछना, मैं कभी भी डार्क नहीं हुआ, कभी भी डार्क नहीं हुआ। हिट हुआ, कोर्ट केस हुए, प्रोटेस्ट हुए, मीडिया बकवास कर रही है, वो बकवास कर रहे हैं, डार्क नहीं हुआ। दारू पीते थे, ये क्या बकवास कर रहे हैं यार, इनको करने दो, ये सब करते थे। लेकिन जब मैं बीमार हुआ तब मैंने पहली बार देखा कि डार्कनेस क्या है। मैं पूरा चेंज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आता बीमारी है क्या। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। सो यू आर टेलिंग मी कि आपने कभी किसी चीज़ को डार्कनेस ऐसे लिया नहीं अनटिल अनलेस ये पर्सनल बाइपोलर डिसऑर्डर जब हुआ था। कि बिकॉज ये सेट कि आप कभी डार्क नहीं हो, कभी आपने माना नहीं कि ये डार्क नहीं हुआ, लो नहीं हुआ, लो नहीं हुआ, कभी वो साइड नहीं था। मैं उसके अलावा एक सेकेंड चीज़ पूछ रहा हूँ कि डू यू फील कि खुद की कोई एक चीज़ है जो ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने इसको एम्ब्रेस नहीं करी तो मैं लो रहता हूँ लाइफ में, या खुद से किसी चीज़ से डर लगता है कभी कि मैं या तो मे बी मतलब आई डोंट नो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं एक चीज़ करता हूँ जिसके लिए मेरे को सब रोकते हैं, मेरे माँ बाप के अलावा, मेरी बहन के अलावा, वो मैं करता हूँ बहुत सारे लोगों पे विश्वास। सिर्फ 3 लोग मुझे नहीं रोकते, हर दुनिया रोकती, सर आप इस पर हिम्मत किया करो, भाई इस पर हिम्मत किया करो। मैं उससे भी नहीं डरता, मैं फिर करेंगे, टूटा भी विश्वास फिर करेंगे। मैं किसी भी चीज़ पे नहीं ऐसा नहीं सोचता, कुछ नहीं ऐसा किसी चीज़ से डरने। कीप ट्रस्टिंग पीपल, आगे बढ़ के करते जाओ काम। कूल, ओके, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके, वन लास्ट थिंग लाइक फन ऑन द फन साइड आई हैव कि जितने हिप हॉप आर्टिस्ट अभी तक हमारे पास आए पॉडकास्ट पे सब चश्मा पहन के आते हैं, ऐसे क्या सीन है भाई? मैं तो देख, मैं सोता हूँ सुबह 8 बजे, ये सूजी हुई है मेरे, मैं दारू दूरू नहीं पीता अब, लेकिन ये सूजी पड़ी है मेरी। और क्या है कि मैं सुबह सोता हूँ 8 बजे और शाम को उठता हूँ 4 बजे। आज सुबह 8 बजे सो के सुबह का 10 बजे का उठा हुआ। मैं चश्मा खास पहनता नहीं हूँ, लेकिन अब पहनना पड़ता है क्योंकि नींद नहीं मिलती तो ये सूजी जाती है। अभी भी नशे करके बैठा हुआ है, देखो हनी सिंह इंटरव्यू में। ओके, सो दैट्स द ओनली रीजन, दैट्स फॉर मी, दैट्स द ओनली रीजन। सारे आर्टिस्ट पहन के आते होते हैं, मैंने सबको देखा। स्टाइल होंगे भाई, मेरा स्टाइल नहीं है ये, मेरे को बस ये है कि यार आंखें मेरी सूजी है। इरफान भाई अभी स्टॉप ड्रिंकिंग कंप्लीटली? हाँ, मतलब ओकेजनली कभी कभी पी लेता हूँ, लेकिन पीछे वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं की। और बाकी दूसरा सूखे नशे तो 9 साल हो गए बिल्कुल, वो तो दैट यू वेरी ओपन अबाउट इट, बंद कर दिया। पर ऐसा होता था कभी आप ड्रिंक करके शो पे जाते थे? नहीं, मैं पहले बिल्कुल नहीं जाता था। मेरे साथ एक हुई थी इंसिडेंट, वो मेरी डॉक्यूमेंट्री में है वो इंसिडेंट, बहुत ज़बरदस्त। कि मैं पहली जब मैं नाश्ता था लोगों को लगता है नशे करके चढ़ा हुआ है, एनर्जी इतनी होती थी मेरे। वो एक सक्सेस का नशा, मेरा म्यूज़िक वाइल्ड है, मेरे लिरिक्स वाइल्ड है, ऊपर से 10,000 ऑडियंस आपके सामने कूद रही है पागलों की तरह, तो एक वो एनर्जी वापस आती थी। तो लोगों को लगता है नशे करके चढ़ा, मैं कभी भी नशे करके नहीं चढ़ा। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो मैंने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि मैं पहली बार दारू पी के स्टेज पे चढ़ा, तो चढ़ा क्यों। दारू पी के मैं करता नहीं कभी परफॉर्मेंसेस वगैरह, गाता भी। दूसरे आर्टिस्ट करते हैं ऐसे यूजुअली पीपल? पता नहीं भाई, मैं बाकी आर्टिस्टों के साथ ना रहता ना ज़्यादा, मेरे को पता ही नहीं, कुछ नहीं रहता ऐसे ही। परफेक्ट, चलो थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। ये एपिसोड ना हमारे बाकी एपिसोड से थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम उससे इम्प्रूव करें और अगले एपिसोड इससे बेटर लेके आएँ। हमारा गोल फिगरिंग आउट पे सिर्फ एक है, हाउ डू वी अचीव बिग ड्रीम्स एंड हाउ डू वी मेक यू अचीव दोज बिग ड्रीम्स एज वेल बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू ऑल द ड्रीमर्स जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और इस एपिसोड के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में हर किसी को बता दो और किसी एक इंसान से शेयर करो जिसकी ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।